स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बोयल कृष्णा। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बोयल कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, आज का बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि इस समय हम लोग आए हैं वहाँ पे जहाँ पे गुजरात पुलिस की तैयारी चल रही है। और दोस्तों मैं सोचा चलो थोड़ा टाइम मिला है तो एक अपडेट भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, आज का ये अपडेट उन यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है जो मतलब तत्काल या प्रीमियम तत्काल निकालने की सोच रहे हैं या फिर निकालने जा रहे हैं। तो उनको दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इस समय IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC की जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। लाइक सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है कि आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, और जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपका ट्रेन ही नहीं शो करेगा, ट्रेन जब शो हो जाएगा तो सीट अवेलेबिलिटी नहीं शो होगी। सीट अवेलेबिलिटी शो होते होते दोस्तों एक मिनट का टाइम पूरा चला जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देगा। पेमेंट का ऑप्शन आपको ऑफलाइन दिखेगा, कैप्चा अगर आप सही डाल देंगे तो भी रॉन्ग कैप्चा बताएगा, और दोस्तों लास्ट में आपको ट्रांजेक्शन मतलब टिकट पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा फिर भी टिकट नोट बुक का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी इशू इस समय तत्काल बुकिंग के दौरान चल रहा है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेनें बिजी रूट की आती हैं उस रूट की बात कर रहा हूँ। लाइक बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो बिजी रूट में नहीं आती, उनके सर्वर पे उतना मतलब वहाँ पे उतना लोड नहीं पड़ता जिसकी वजह से वो इजीली तरीके से वर्क करने लगती हैं। तो दोस्तों अभी ये सिचुएशन तत्काल क्वार्टर में भी है और प्रीमियम तत्काल क्वार्टर में भी है। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जो लॉग आउट हो रहा है, जो टिकट नहीं बुक हो रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो मैं एक चीज़ आपको रियलिटी में बता दे रहा हूँ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल और केवल रेलवे चाहेगी तो ही आपको मिल पाएगा। अलग से कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो इस एप्लीकेशन और IRCTC की वेबसाइट पर अपडेट करे। अगर आप 139 पर कॉल करके कस्टमर केयर वाले से पूछेंगे तो उनके तरफ से भी एक ही जवाब आएगा, सर ID रिफ्रेश करवा लीजिए, अगर OTP नहीं आ रहा है तो मोबाइल नंबर रिफ्रेश करवा लीजिए, बस दोस्तों इससे कुछ भी होता नहीं है। रेलवे ने भी दोस्तों यहाँ तक का ये बोल दिया है कि अगर आप 10 या 11 बजे टिकट बुक करेंगे तो उस समय सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है, इसकी वजह से चांसेस रहता है ये सब प्रॉब्लम होना। तो फ्रेंड ऐसे में क्या होता है कि जो नॉर्मल यात्री हैं, जो नॉर्मल रेल यात्री हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर वो सोचते हैं कि चलो तत्काल कोटा से टिकट नहीं मिल रहा है तो प्रीमियम तत्काल कोटा से टिकट निकाल लेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ, इस समय तत्काल छोड़ो, आपको प्रीमियम तत्काल में भी सीटें नहीं मिल पाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो तत्काल में नहीं मिल रहा है, प्रीमियम तत्काल टिकट में 2-3 गुना ज़्यादा पैसा दे देंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाएगा दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा एकदम रेलवे की लापरवाही सामने आ रही है। अगर एक चीज़ मैं आपको रियलिटी बता दूँ तो रेलवे चाहती ही नहीं है कि लोग जीनन तरीके से नॉर्मल तरीके से तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटा बुक करे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रेलवे खुद सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जब वो एकदम नॉर्मल तरीके से तत्काल टिकट निकालेंगे और टिकट नहीं बुक होगा तो उनके पास भी बस एक ही ऑप्शन आएगा, सॉफ्टवेयर परचेस करने के लिए। फिर वो बोलेंगे कि मार्केट में सॉफ्टवेयर इलीगल है, फिर जिसके पास पकड़ा जाता है सॉफ्टवेयर मतलब जो यूज करता है उसकी सब कुछ वो जब्त कर लेते हैं, कोर्ट में भेज देते हैं, यहाँ तक कि जेल में भी भेज देते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सॉफ्टवेयर से बचें। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि जो ये प्रॉब्लम आ रही है लॉग आउट की, ऑटोमेटिकली मतलब जो पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है और फिर 3-5 वर्किंग डेज में जो आपको पेमेंट मिल रहा है, ये दोस्तों प्रॉब्लम अभी आती ही रहेगी। जब तक रेलवे इसको नहीं अपडेट करेगी प्रॉपरली तब तक ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती ही रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ, रेल यात्री 3 गुना पैसा देने को तैयार है, लेकिन रेलवे चाहती ही नहीं है कि लोग जीनन तरीके से तत्काल टिकट बुक करें। अब दोस्तों जो एजेंट है, हालांकि मैं सब एजेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे एजेंट है जिनका ऑनलाइन टिकट जो नहीं निकाल पा रहे हैं, लाइक वो काउंटर को अपना शिकार बनाने लगे, जो नज़दीकी PRS काउंटर है, रेलवे काउंटर है, वहाँ पर टिकट कलर के साथ मिलकर वो दोस्तों 800 का टिकट 2-2 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। और यात्रियों की यहाँ पे मजबूरी है कि वो उतना पैसा दे दे के टिकट खरीद रहे हैं, क्योंकि रेलवे की लापरवाही से उनको ऑनलाइन इजी तरीके से तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल ना दोस्तों आप समझते हैं, तत्काल का 3 गुना प्राइस वहाँ पे हो जाता है बुक करते करते, वो टिकटें भी लोगों को नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी ट्वीट भी गए हैं रेलवे की तरफ से, लेकिन उस ट्वीट का एक ही रिप्लाई आया है कि प्रॉब्लम आपके तरफ से, आप अपनी कैश फाइल क्लियर कर लीजिए, लेटेस्ट IRCTC का एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं दोनों में से बताऊं तो बेटर होगा आप IRCTC का वेबसाइट यूज करें, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा आपको मतलब कठिन भरे पड़ेगा लेकिन वो बेटर रहेगा एक हिसाब से देखा जाए एप्लीकेशन के मुकाबले। उनकी तरफ से बस एक ही रिप्लाई आता है कि जिस टाइम आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो उस समय एक साथ कम से कम 4-5 लाख पर्सनल ID एक ही वेबसाइट एक ही सर्वर पर कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से लॉग आउट की प्रॉब्लम, ट्रांजेक्शन फेल्ड होना, ऑटोमेटिकली सीट का ना शो होना और ट्रांजेक्शन फेल्ड, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एक सिंपल भाषा में दोस्तों अगर मैं आपको समझा दूँ तो रेलवे चाहती ही नहीं है कि आप प्रीमियम तत्काल से
प्रीमियम तत्काल कोटा या फिर तत्काल कोटा का यूज करके कंफर्म टिकट ले सकें। अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी यूट्यूबर के पास है तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वेबसाइट है, एक सर्वर है, इसको कोई और हैंडल कर रहा है। अगर इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती जो आप प्रॉब्लम कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग या फिर कोई भी यूट्यूबर दे सकता है, लेकिन आप अपने तरफ से प्रॉब्लम कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप अपने तरफ से सही हो, अच्छे खासे इंटरनेट स्पीड में हो, टिकट निकालने से पहले आपने मास्टर लिस्ट भी बनाया हुआ है, कैप्चा भी सही डाल ले, बेस्ट पेमेंट मेथोड भी यूज करे, बट फिर भी ये प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिल रही है तो सीधी साधा भाषा में समझा दूं, पूरी और पूरी लापरवाही, पूरी और पूरी गलती रेलवे की तरफ से है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था, अगर आप सोच रहे हैं कि तत्काल से आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रीमियम तत्काल से निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, आपके पास एक ही ऑप्शन लास्ट में बचेगा, जाके काउंटर टिकट से टिकट निकालना पड़ेगा अगर वहाँ पे गैर तरीके से टिकट नहीं सेल किया जा रहा है तो, वरना फिर और सब लोगों की मांग आ रही है कि जब हमें टिकट मिल ही नहीं रहा है तत्काल है प्रीमियम तत्काल कोटा तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाली फैसिलिटी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें ऑफलाइन रहती है वो चीज़ें ऑनलाइन भी रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।